उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब दावा है कि प्रवर्तन निदेशालय उनके घर पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक कानपुर में उनके आवास पर स्थानीय पुलिस पहुंची। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि इरफान सोलंकी के घर ईडी का छापा पड़ा है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के जाजमऊ वाले घर पर आज सुबह तड़के करीब 5 बजे ईडी की टीम पहुंच गई। इरफान सोलंकी के साथ उनके भाई और अन्य रिश्तेदारों के घर पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। टीम ने सभी के मोबाइल जब्त कर लिए हैं और जांच जारी है। ईडी के अधिकारियों की टीम आज सुबह सुबह 6 गाड़ियों में इरफान सोलंकी के घर पहुंची, जहां परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ और अन्य छानबीन की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी इरफान सोलंकी की बेनामी संपत्ति को लेकर जांच कर रही है। हालांकि अभी इस मामले में और ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। बता दें कि इरफान सोलंकी इस समय यूपी की महाराजगंज जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ 14 मार्च को आगजनी और आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमों में फैसला आना है। सपा विधायक पर कानपुर में जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी की नजीर फातिमा के घर आगजनी करने का आरोप है। पीड़िता ने सोलंकी पर जमीन कब्जाने के लिए घर में आग लगाने का आरोप लगाया है।